हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग माई डूइंग में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू नेटवर्क के हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सिंपली गूगल पे टाइप करके हमारे चैनल के पे एक्सेस करनी है वीडियोज, तो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं द हिंदू नेटवर्क वेराइज सर। जैसे आप टाइप करेंगे वैसे मेरी वीडियो आपको शो होने लगेगी। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कहने के बावजूद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी सजेशन है, वो आप हमें मेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मोटिवेशनल पॉट, कभी भीड़ को मत देखो कि वो कहाँ जा रही है, भविष्य तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, इसलिए दिशा खुद ही तय करो। नेवर लुक एट द क्राउड डेट इट इज बींग सेड डेट द फ्यूचर इज योर्स एंड यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ, देयर फॉर डिसाइड फॉर द डायरेक्शन योर सेल्फ। ओके, आपके ऊपर मूव करते हैं। अच्छी पहली वो क्या है, रेस्क्यू मतलब बचाना, बचाव कार्य करना। सेव समवन फ्रॉम ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। डिस्ट्रेस मतलब संकट, एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, परछाई। द थ्रोइंग बैक बाय ए बॉडी और सरफेस ऑफ लाइट, हीट और साउंड विदाउट अब्सॉर्बिंग इट। रील मतलब रीलिंग। विन समवन ऑन टू ए रील बाय टर्निंग द रील, मतलब गोल गोल घूमना, घुमाना। डी सिचुएशन अभाव। पॉवर्टी इज सो एक्सट्रीम डेट वन लैक्स द मींस टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ। कट मतलब घटना, घटाना किसी चीज को, कम करना। रेड्यूस इन एक्सटेंट और क्वालिटी, इम्पोज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन। स्वेल मतलब उभार का आना। बिकमिंग और मेक ग्रेटर इंटेंसिटी, नंबर, अमाउंट और वॉल्यूम। एग्रेनियन मतलब कृषि संबंधी, रिलेटिंग टू कल्टीवेटेड लैंड और द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। इंपेरेटिव मतलब अनिवार्य रूप से, ऑफ ए वाइटल इंपॉर्टेंस, क्रूशियल। फॉल बैक मतलब पीछे हटना, मूव और टर्न बैक, रिट्रीट। इंड्यूस मतलब अनुमान किया, अनुमान लगाना किसी चीज का। ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू। कंस्ट्रेन मतलब मजबूर करना किसी को। कंपेल और फोर्स समवन टू फॉलो ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज को मानने के लिए किसी को विवश करना, मजबूर करना। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इसके एडिशन में, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, इसके एक्स्ट्रा में। एविएट मतलब उन्मूलन यानी खत्म करना, मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम लेस सेवर। तो आज का जो आर्टिकल, उसका जो टाइटल है, कहा गया ए केस फॉर एक्सटेंशन। अब जो केस है यानी जो जरूरत है, वो क्या है, एक्सटेंशन की, यानी इसको बढ़ाने की। बताइए कि जो मनरेगा है, जो स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है इन द रेस्क्यू यानी बचाने में, किसको, गरीब लोगों को, ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस यानी इस संकट के टाइम पे बचाने में लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो रही है। द फाइंडिंग दैट 8.4 लाख पुअर हाउस होल्ड, जो सामने आया है डेटा, 8.4 लाख जो गरीब परिवार है, हैव कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है कम से कम 80 दिन ऑफ द 100 डेज लिमिट, जो 100 दिन की उसमें रोजगार की जो गारंटी की स्कीम है, उसमें से उन्होंने कम से कम 80 दिन अपने पूरे कर लिए हैं अंडर द मनरेगा। एंड 1.4 लाख अमंग दोज हु हैव कंप्लीटेड द फुल कोटा, और 1.4 लाख ऐसे हैं परिवार जिन्होंने अपना पूरा कोटा यानी 100 दिन की लिमिट जो है वो पूरी कर चुके हैं। शुड कम एज नो सरप्राइज, ऐसा सामने आया यह कोई सरप्राइज नहीं, आश्चर्यजनक बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और हुआ भी होगा। व्हाइल दीज नंबर्स आर इन अ फ्रैक्शन ऑफ द 4.6 करोड़, हालांकि ये जो नंबर्स आए हैं, जो आंकड़े हमें दिखाए जा रहे हैं, जो दर्शाए जा रहे हैं, ये फ्रैक्शंस हैं, यानी 4.6 करोड़ जो परिवार हैं विच हैव बेनिफिटेड फॉर मनरेगा दिस ईयर, ये 4.6 करोड़ परिवार उससे लाभ मिलता है मनरेगा से इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। द फैक्ट और जो वास्तविकता है वो यह है डेट मैनी पुअर हाउस होल्ड, जो जितने मतलब बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं, हैव नियरली कंप्लीटेड देयर फुल कोटा, कि वो या तो नियर है यानी आसपास है, यानी 100 दिन या तो किसी के 90 से ऊपर के आसपास दिन होने वाले हैं, और या फिर उन्होंने अपना कोटा जो रोजगार का है वो पूरा कर चुके हैं अंडर द स्कीम इन जस्ट द लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीनों के अंदर दौरान ही, यानी मई और जून में। इज अ रिफ्लेक्शन, और यह है कैसा प्रतिबिंब है, ऑफ द डिस्ट्रेस यानी संकट का, डेट हैज ड्रिवन देम टू टेक रिकोर्स टू इट,
यानी इसको या फिर से अब उन्हें सोचने की जरूरत है। विद द इकोनॉमी रीलिंग आफ्टर एक्सटेंडेड लॉकडाउन और जो हमारी आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमी है यानी जो अर्थव्यवस्था है, वो जो रीलिंग यानी घूम चुकी है पूरी तरीके से, एक्सटेंडेड यानी जो बार बार बढ़ाया गया जो लॉकडाउन फॉलोइंग द COVID-19 पेंडेमिक, किसके परिणाम स्वरूप जो महामारी ये फैली है कोरोना वायरस वाली, इसके परिणाम स्वरूप, एंड माइग्रेंट लेबर्स और जो प्रवासी मजदूर हैं लूजिंग जॉब्स इन अर्बन एरियाज, उनकी क्या नौकरियां चली गई है अर्बन एरियाज में, एंड रिटर्निंग टू देयर रूरल होम्स टू अवॉइड द सिचुएशन, और वो अपने जो जहाँ से वो आए थे यानी जो अपना उनका गांव था वहाँ पे वो चले गए हैं क्योंकि अब नौकरियां शहरों में रही नहीं उनके लिए, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए वो वहां चले गए। उससे क्या हुआ, अब कि जो कम से कम वहां पे क्या समस्याएं तो है, लेकिन यहाँ पे उनको खाने पीने की समस्या हो रही थी शहरों में, लेकिन अब वो गांव चले गए तो उन्हों इस वजह से गई कम से कम यहाँ का जो खर्चा है वो तो नहीं लगेगा, वहां पे खाना पीना में मिल जाएगा। टू अवॉइड दी सिचुएशन यानी जो यहाँ पे जो हालात गंभीर है वहां पे कुछ हद तक हमें संतुष्टि मिलेगी। द स्कीम हैज कम एज ए ह्यूज रिलीफ टू पुअर फैमिलीज, और यह जो योजना है यह एक तरीके से सामने आई है ह्यूज यानी बहुत बड़े स्तर पर रिलीफ यानी राहत टू पुअर फैमिलीज यानी गरीब परिवारों के लिए। द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड इट इनटू द मानसून सीजन, और जो सरकार का जो निर्णय है जो डिसीजन है कि इसको बढ़ा दिया गया इनटू द मानसून सीजन तक, हैज आल्सो बेनिफिटेड हाउसहोल्ड, यह भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। डेटा फ्रॉम दिस ईयर और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं शोज वो दिखाते हैं दर्शाते हैं डेट इन नियरली टू थर्ड ऑफ द स्टेट कि दो तिहाई जो राज्य हैं डिमांड फॉर द मनरेगा वर्क हैज डबल और इवन ट्रिपल इन ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, कि इस बार जो डिमांड है यानी जो लोग काम करने के लिए जो मनरेगा में रजिस्टर्ड वगैरह हुए हैं उनकी डिमांड क्या है, या तो पिछले साल के मुकाबले डबल हो गई या ट्रिपल हो गई है काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में। ओनली इन स्टेट्स केवल उन राज्य में जहाँ पे खरीफ की जो फसल है वाज सोन यानी जो बोई गई, द डिमांड वाज रिलेटिवली लोअर, वहां पे क्या है थोड़ी सी कम डिमांड है, बट विद सम स्टेट्स जहाँ पे कुछ अन्य जो राज्य हैं रिसोर्टिंग टू देयर ओन शटडाउन्स टू कर्टेल, और जो इन्होंने अपना जो शटडाउन यानी बंद किया है टू कर्टेल यानी जो घटाने का किस चीज को स्प्रेड यानी फैलाव को कोरोना वायरस का, द प्रोस्पेक्ट्स और इसके जो संभावित क्या हुए, और फिर रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी एकदम मजबूत तरीके की जो इकोनॉमिक रिकवरी डेट वुड बेनिफिट दोस एंगेज इन कैजुअल लेबर एंड डेली वेज लेबर रिमेन डिम, जिनको इससे क्या था जो डेली वेज वाले जो लेबर्स हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी भी आमदनी कैसे फर्क पड़ी क्योंकि बार बार जो लॉकडाउन हुआ इकोनॉमी के साथ साथ उनके जो फैमिली है उसको भी उसने कोरोना वायरस ने अफेक्ट किया और हम सभी जानते हैं हर किसी को उसने पूरी तरीके से अफेक्ट किया। द फेल्ड गुड मानसून और अच्छा मानसून का आना दिस सीजन शुड हेल्प, वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उससे क्या हेल्प होगी यानी सहायता होगी विद प्रोवाइडिंग फॉर मोर एग्रीकल्चर जॉब्स, कि जो कृषि से संबंधित जो जॉब है जो नौकरियाँ हैं वो आएगी अगर मानसून अच्छा रहता है तो, बियॉन्ड द मनरेगा वर्क एज वेल इसके अलावा जो मनरेगा का काम है इसके अलावा, बट द सर्जिंग रेट ऑफ डिमांड लेकिन जो डिमांड है यानी जो मांग है काम के लिए वो बढ़ती जा रही है। अंडर द स्कीम सजेस्ट वो सजेस्ट करती है यानी सुझाव देती है डेट इट इज द टाइम और यह है अब ऐसा समय कि द गवर्नमेंट थॉट अबाउट एक्सटेंडिंग द लिमिट, कि गवर्नमेंट को जो इसकी लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए एटलीस्ट ऑन ए स्टेट बाय स्टेट बेसिस, जहाँ पे इसकी ज्यादा डिमांड है तो एटलीस्ट कम से कम उन राज्यों में तो बढ़ानी ही चाहिए जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। द स्वेल इन एग्रेरियन एम्प्लॉयमेंट इन द मानसून सीजन, और ये एकदम से जो उभार आया है जो परिवर्तन आया है जो यानी जो बढ़त देखी जा रही है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के लिए इन द मानसून सीजन नॉट विद स्टैंडिंग यानी किसी से इसका कोई वो नहीं है। द एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर और जो यानी वहाँ पे क्या है अब इस बार जो लेबर है वो ज्यादा हो गई है ओइंग टू रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम द सिटीज कुड डिप्रेस वेजेस, इसके परिणाम स्वरूप क्या है देखो लेबर ओइंग टू रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम द सिटीज को डिप्रेस वेजेस, कि कम से कम वहां पर कुछ तो हमें मिलेगा ना, इस वजह से वो जो है माइग्रेट हुए कहां से जो शहरों से गांव की ओर। दिस मेक्स एन एक्सटेंशन ऑफ द लिमिट ऑफ वर्क डेज अंडर द मनरेगा इवन मोर इम्पेरेटिव, और यह अब ऐसा
पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे क्या है जो एक्सटेंशन यानी बढ़त यानी बढ़ाना चाहिए इसकी लिमिट की, जो काम करने की जो दिन है उसकी, मनरेगा स्कीम में इवन मोर इम्पेरेटिव, क्योंकि अब ये इस टाइम पे जब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है, महसूस हो रही है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंस जब से इस इट्स इम्प्लीमेंटेशन ओवर ए डेकेड अगो, यानी लगभग एक दशक पहले जो जब इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट किया गया था यानी जो चालू की गई थी, द स्कीम हैज एक्टेड, ये इसने एक्ट किया था एज इंश्योरेंस यानी बीमा की तरह फॉर रूरल डिवेल्स ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर, से अगर आपकी जैसे फसल खराब होती है तो वो उसको इंश्योरेंस के रूप में इसको कंपनसेट करेंगे, एक तरीके से मुआवजा देंगे है एग्रेरियन क्राइसिस, और अगर कृषि संबंधी कोई वहां पे संकट आता है तो। बट द सेंटर्स आउटलुक टुवर्ड्स इज कंटिन्यू टू लिमिट इट ओनली एज ए फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर, लेकिन जो सेंटर्स का जो आउटलुक है यानी इस पर जो नजरिया है देखने का, इट्स कंटिन्यू वो इसको लगातार लिमिट किया है इट ओनली एज ए फॉल बैक ऑप्शन फॉर द पुअर, यानी पीछे हटने के लिए ऑप्शंस, यानी एक तरीके का वहां पे जो चेन कह सकते हो जो कि हम चुनते हैं फॉर द पुअर यानी गरीबों के लिए। इवन बिफोर द कोविड-19 एड्यूस क्राइसिस, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस था, इंड्यूस क्राइसिस यानी जो अनुमानित जो था संकट, ए लैक ऑफ डिमांड यानी मांग में कमी एंड फॉलिंग कंजम्पशन, और यानी जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं यानी जिन चीजों का हम सेवन कर रहे हैं उसमें भी कमी आना, अमंग द पुअर वर कंस्ट्रेनिंग द इकोनॉमी, उससे क्या हुआ जो गरीब लोग हैं उनमें इन चीजों की क्या है डिमांड में और जो उनका कंजम्पशन उसमें कमी आई, वर कंस्ट्रेनिंग द इकोनॉमी, और उसने क्या है जो इनको मजबूर किया इकोनॉमी को भी फोर्स किया कि भैया ऐसे करना ही पड़ेगा आपको कुछ। द मनरेगास इफ यूटिलाइज एज मोर देन जस्ट एज इंश्योरेंस स्कीम, अगर मनरेगा को यूटिलाइज किया जाता है यानी यूज किया जाता है इंश्योरेंस से कहीं ज्यादा, एज मोर देन जस्ट एन इंश्योरेंस स्कीम एंड एज ए व्हीकल फॉर रूरल डेवलपमेंट, और यानी एक व्हीकल यानी साधन परिवहन का, या फिर आप कह सकते हो किसका कहा जा रहा है जहाँ पे व्हीकल है यानी जो साधन है वो किसका रूरल डेवलपमेंट का इसको यूज करना चाहिए, कुड पोटेंशियली एड्रेस डेट प्रॉब्लम, उससे यह है संभावना है कि ये जो समस्या है उसको ये कुछ हद तक हमें सोल्व कर पाएगा। द लेसन फ्रॉम इट्स सक्सेस एंड फेलियर्स, और जो लेसन है यानी जो हमें सीख मिलती है उसके सफलता से और उसकी विफलता से, कुड भी यूज उसको भी यूज करना चाहिए फॉर एज ए मोर कम्प्रिहेंसिव जॉब गारंटी प्लान, कि उसको भी व्यापक स्तर पर जो जॉब के गारंटी के प्लान्स हैं यानी जो योजनाएं हैं डेट कवर्स अर्बन इंडिया टू, जो ग्रामीण भारत को भी कवर करती है। बिसाइड्स इसके बावजूद और इसके अतिरिक्त एविएटिंग डिस्ट्रेस, यानी ये जो संकट है यानी ये जो परेशानी है उसको खत्म करना, दिस वुड ऑल्सो बूस्ट कंजम्पशन, इससे क्या होगा इसमें बूस्ट आएगा यानी कि ताकत मिलेगी कंजम्पशन को भी एंड एड इकोनॉमिक रिकवरी, और सहायता मिलेगी इकोनॉमी को यानी अर्थव्यवस्था को भी वापस रिकवर होने में। एन एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट एंड कंप्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन रूरल एरियाज कैन बी द फर्स्ट स्टेप, और उसका जो पहला कदम जो बताया जा रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से वो ये कहा जा रहा है कि जो 100 दिनों की जो लिमिट है पहला उसको बढ़ा के, और कंप्रिहेंसिव और यानी इसका व्यापक स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन करना है स्कीम का जो ग्रामीण इलाकों में, ये एक तरीके का पहला कदम उठाया जा सकता है इकोनॉमिक को रिकवर करने के लिए। तो ये अपने ऑथर्स के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और ब्लेस यू। बाय बाय।